स्कूल फॉर डेमोक्रेसी ने शुरू किया है और न्यूज़ क्लिक के माध्यम से प्रारंभ किया है और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों को नई पीढ़ी जान सके और आप जैसे लोगों के माध्यम से जान सके आज़ादी कैसे मिली क्या संघर्ष थे आज हम उस आज़ादी को बचा भी पा रहे हैं या नहीं और ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जैसी गलत सूचनाएं पैसे देके पेड न्यूज़ गलत बातों का प्रचार जिस तरीके से आज हो रहा है ऐसे समय में इस तरह के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को जानना कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है और गांधी तो बहुत ही बहुत ही बड़ी बात है तो जो कि आज का पूरा लेक्चर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर है तो मुझे लगता है गांधी जैसा व्यक्ति न कभी हुआ है न कभी होगा हुआ है पर होगा नहीं ऐसा लगने लगता है मुझे कभी कभी क्योंकि आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि सदियों बाद शायद पीढियां आश्चर्य करे कि हार्ड मास का एक पुतला भी इस देश में धरती पर आया था तो मैं मुझे तो गांधी के सत्य और अहिंसा निडरता सांप्रदायिक सद्भाव ये बातें बहुत प्रभावित करती रही हैं और गांव की जिंदगी के साथ जैसे उन्होंने केंद्र बिंदु बना के सारी बात कही तो हम मुझे ये लगता है गांधी की एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब कोई भी काम करें तो अंतिम पक्ति में खड़े व्यक्ति को उसका क्या लाभ होगा ये अगर दिमाग में रहेगा तो हम शायद बहुत सारे काम प्रासंगिकता आज इनकी समझ पाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें चुप्पी को तोड़ना है नफरत को मिटाना है अभिव्यक्ति की आजादी को पुनः स्थापित करना है छुआछूत शराबबंदी जैसे मुद्दों को लाना है तो गांधी सिर्फ नोट में छपे या चश्मे में लिखे इससे अलग हटके कुछ होने की जरूरत है तो इन सब ये मेरे विचार हैं पर हम मृदुला जी को एज ए हिस्टोरियन सुनेंगी और मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानती हूँ कि मृदुला जी अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं इस पूरे उसके लिए हमारी गेस्ट स्पीकर मृदुला जी डॉक्टर प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी जो जे के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में चार दशक तक इतिहास पढ़ाती रही हैं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की निदेशक रही 2006 से 2011 तक जे के स्कूल ऑफ सोशल साइंस की डीन रही 2012 से 2014 तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के भारत ऐसी पुस्तक सह लेखिका भी रही है जिनका जिनकी से प्रकाशित हुई है और बेस्ट सेलर और बेस्ट रीडिंग बुक्स में से मानी जाती है जिसके कई बार उसे छापा गया है अनुवाद भी हुआ है और भारत के किसान पीजेंट्स ऑफ इंडिया नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन की भी आप लेखिका रही हैं और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है आरएसएस स्कूल टेक्स और मर्डर ऑफ महात्मा गांधी जैसी पुस्तक की लेखिका रही है क्योंकि आज हम गांधी को मारने वालों को तो राष्ट्रभक्त कहने लगे हैं तो ये सवाल बहुत गंभीर है एक हिंदू कम्युनल प्रोजेक्ट के तहत आपने लिया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सेज सीरीज है उसकी को एडिटर है जिसमें अठारह मैनेस्क्रिप्ट प्रकाशित हो चुकी हैं तो ऐसी विद्वान जी का स्कूल फॉर डेमोक्रेसी की ओर से उन्हें स्वागत करती हूँ पूरे स्कूल फॉर डेमोक्रेसी परिवार की ओर से मैं आमंत्रित करती हूँ आपका भाषण सुनने के लिए हम सब बहुत अधीर हैं इसकी रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी क्योंकि स्कूल फॉर डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स के साथ जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरीके से लोगों के विचारों को आगे बढ़ाने में मददगार रहा है तो मैं पुनः स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ आपकी वार्ता के लिए और मैं मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए स्कूल फॉर डेमोक्रेसी ने मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भाषण के बाद हम इसे समाप्त करेंगे रेणुका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो इंट्रोडक्शन दिया Uh, मेरे बारे में उसके लिए बहुत आभारी हूँ आपने बहुत कुछ कहा uh, इतना सब कुछ नहीं है जैसे आप uh, हम सब टीचर लोग हैं पढ़ाते रहे हैं हमारी यही जिंदगी रही है कि स्टूडेंट्स को किसी तरह से हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके जो सिद्धांत हैं उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके जो इंस्पिरेशन उससे मिल सकती है उसको uh, किसी तरीके से हमारे समाज में जो है हम फैलाएं तो ये मेरा भी ये एक उद्देश्य रहा है अपने पढ़ाने के और मेरे रिसर्च और राइटिंग के थ्रू के ये सब जो हमारी उपलब्धियां हैं हमारे देश की हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वो जो है हमारे समाज में जीवित रहें तो जिस हद तक मैं उसमें कुछ योगदान दे पाई हूँ और दे सक रही हूँ मैं वो मुझे बहुत खुशी देता है तो क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी देन थी पर इसलिए भी कि हमारा आज का जो समाज है मुझे लगता है उसमें इन मूल्यों की और ये पूरे इतिहास की और पूरे इंस्पिरेशन की बहुत ज्यादा ज़रूरत है क्योंकि अभी हम काफी एक गहरे संकट से गुजर रहे हैं आज़ादी के कम चार पाँच दशक तक तो हमने फिर भी जो हमारे सिद्धांत थे आज़ादी की लड़ाई के उनको हमने अमल करने की कोशिश की बहुत अच्छी तरह नहीं की कमजोरियाँ थी गलतियाँ हुई पर फिर भी जो उद्देश्य थे वो हमारे सामने रहे और वो हमें प्रेरित करते रहे पर अब हाल में ऐसा लगता है कि जैसे हम उस रास्ते से दूर चले जा रहे हैं उससे हिल जा रहे हैं ये ये सबसे ज़्यादा फिक्र की बात हमें लगती है जब हम देखते हैं हमारे आसपास जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो कभी कभी तो समझ ही नहीं आती कि अब हम कौन से देश में रह रहे हैं कि <laughs> क्या वही देश है जो कि गांधी जी जिसके लिए उन्होंने और उनके जेनरेशन के उनके पहले के जेनरेशन के उनके बाद के जनरेशन कि लाखों लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी सिर्फ एक दो बड़े लीडरों की बात यहाँ नहीं है आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हैं तो आप तो इस बात को समझेंगी कि ऐसे इतने लोग हैं जिनके नाम भी कोई नहीं जानता कभी जानेंगे भी नहीं उनकी जो कुर्बानियां हैं उन्होंने पूरे जीवन जो अपने देश के लिए दिया उनके बच्चों ने जो सैक्रिफाइसेस की उनके परिवारों ने जो सैक्रिफाइसेस की Uh, कितने कितने लोग थे जिनके बच्चे पढ़ नहीं सके जिनको जब वो जेल चले जाते थे तो पीछे से उनके परिवार को कितना कष्ट होता था ऐसे लाखों लोग हैं जिनका कहीं कोई गिनती नहीं है हमारे uh, इतिहास में तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये जो एक बहुत हमारा एक युग था एक जिसको मैं कहूंगी कि एक बहुत सच्चा युग था जिसमें के हमारे समाज की जो Uh, सबसे पॉजिटिव वैल्यूज uh, है सबसे पॉजिटिव जो टेंडेंसीज हैं वो सामने आई थी हर युग में नहीं आती हैं समाज में रहती हैं हमारे कल्चर में रहती हैं हमारी संस्कृति में रहती हैं पर ऐसे भी युग आते हैं जब ये पीछे चली जाती हैं और हम लोग गलत रास्ते की तरफ uh, चल देते हैं तो यही सब चीज़ें हैं दिमाग में जिनको सोच के हमें लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम ये जो संघर्ष है इसको जारी रखें जितना हम लोग कर सकते हैं उसको हम आगे बढ़ाएं आपसे बात करके आपको देख के आपसे आपका सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मुझे ये लेक्चर देने में बहुत आसानी हो जाएगी ये आप आ, आप आपसे ये बात करने के बाद तो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ स्कूल फॉर डेमोक्रेसी की अरुणा रॉय जी की नवाज़ की जो बहुत दिन से हमारे साथ संपर्क में रहे हैं ये सब चीजों को पॉसिबल करने के लिए तो अब मैं अपनी बात जो है वो आगे रखती हूँ तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम आज महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं और इस वक्त सबसे जरूरी जो चीज है उसको ध्यान में ये रखना है कि ये हमारे देश का जैसे आपने कहा एक सौभाग्य था कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ और ऐसे व्यक्ति ने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया ये हम लोगों का एक सौभाग्य था क्योंकि ऐसे लोग जो हैं ऐसी जो हस्तियां हैं वो हमेशा नहीं आती हैं वो कोई भगवान नहीं थे अवतार नहीं थे पर किसी भगवान या अवतार से कम नहीं थे वो इंसान थे पर उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में जो हम उनके जो उनका जो जीवन है वो किसी धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक फिगर से कम इंस्पायरिंग नहीं है इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि एक इंसान जो है वो इस तरह के कर्म कर सकता है जैसे गांधी जी ने किए ये ही हमारे लिए एक बहुत अचंभा की बात है तो गांधी जी के बारे में खासकर हमारे यंग लोग जो आपके स्कूल फॉर डेमोक्रेसी में इसको कभी सुनेंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान जो था वो उन्नीस सौ सो, से शुरू किया 1915 में वो हिंदुस्तान वापस आए वो साउथ अफ्रीका में बीस साल से ज्यादा वहाँ रहे थे और उनका सबसे बड़ी जो उपलब्धि हम मानते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने कैसे शक्ल ही उन्होंने बदल दी कि उनके आने के बाद ये जो आंदोलन था इसने एक मास रूप एक जनता का आंदोलन का रूप जो है इसने अख्तियार किया उसके पहले जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था जो काफी दिन से चल रहा था वो अठारह में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो गई थी और उससे कम से कम एक दशक पहले से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना जो थी राष्ट्रीय विचार जो थे वो हमारे हिंदुस्तानी जो भाषा के जो अखबार थे उनमें वो प्रकट होने लग गए थे तो ये आंदोलन हम कम से कम अठारह के दशक से तो हम इसको गिनते हैं तो 40-45 साल ऑलरेडी हो चुके थे जब गांधी जी इसमें सक्रिय हुए परंतु तब तक ये जो आंदोलन था इसने पूरे हिंदुस्तान के स्केल पे ऑल इंडिया लेवल पे एक मास रूप एक पूरा एक जन आंदोलन का रूप जो था वो अभी तक वो नहीं कर पाया था स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 से लेके 1908 तक हुई वो काफी हद तक जनता तक पहुंच सकी थी लोगों के आम जनता में भी पहुंच सकी थी पर कुछ प्रांतों में वो मूवमेंट जो थी वो बंग भंग जिसको कहते हैं बंगाल का विभाजन जो अंग्रेजों ने किया उसके खिलाफ शुरू हुई थी और बंगाल में तो वो काफी जोर पकड़ी थी उसके अलावा वो पंजाब और महाराष्ट्र में भी काफी जोर पकड़ी थी परंतु बाकी जो प्रदेश थे हिंदुस्तान के वहाँ पे उसका जो इन्फ्लुएंस था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था वो लिमिटेड था जो लोग पढ़े लिखे थे जो लोग कॉन्शियस थे जो अखबार पढ़ते थे जो एक तरह से एजुकेटेड स्ट्रेटा आप कह सकते हैं उन लोगों तक सीमित था तो गांधी जी का हिंदुस्तान के राजनीति में प्रवेश करने के बाद ये जो बहुत बड़ा जो बदलाव आया वो ये था कि ये आंदोलन जो था इसने जमीनी पकड़ इसकी जो थी वो हुई ये आम लोगों के अंदर गरीब जनता के अंदर किसानों के अंदर जो कारीगर थे हमारे उनके अंदर महिलाओं को इस आंदोलन ने इन्वॉल्व किया और हर धर्म के और हर जाति के लोग जो थे इस आंदोलन में जुड़ के आए और पूरे हिंदुस्तान से आए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी परंतु उसके पहले मैं आपको इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन साउथ अफ्रीका का भी दे दू क्योंकि गांधी जी जब हिंदुस्तान आए तो उनकी उम्र ऑलरेडी पैतालीस साल की हो चुकी थी तो इसका मतलब है कि वो कोई एक बहुत छोटी उम्र में यहाँ आके उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू नहीं किया वो काफी मच्योर एज में आए थे और उनका जो राजनीतिक जो एक्सपीरियंस था जो अनुभव था वो बहुत गहरा था वो वहां पे साउथ अफ्रीका में तकरीबन पंद्रह बीस साल जो है आंदोलन चला चुके थे और वो आंदोलन क्या था वहाँ उन्होंने जो हिंदुस्तानी लोग थे साउथ अफ्रीका में और खासकर जो गरीब हिंदुस्तानी थे इनडेंचर लेबर हम उनको कहते हैं जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट जो है एक तरह से प्रतिबद्ध मजदूर Uh, उनको आप कह सकते हैं जो कि बहुत ही खराब हालात में वहाँ रहते थे वहाँ प्लांटेशंस में काम करते थे वहाँ माइंस में काम करते थे बहुत कम पैसा मिलता था उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उनके कोई राइट्स नहीं थे सिविल राइट्स नहीं थे वोटिंग राइट्स नहीं थे यहाँ तक कि एक एक समय ये कह दिया गया कि उनकी जो शादियाँ थी वो भी गैरकानूनी है क्योंकि वो वहाँ के जो कानून है उसके अंदर उनकी शादियां नहीं हुई हैं तो बहुत तरह के अत्याचार जो थे उनको वहाँ सहने पड़ते थे और गांधी जी ने आ, वो जब वो गए तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में कोई पढ़े लिखे हिंदुस्तानी नहीं थे या ये मजदूर क्लास के लोग थे इनडेंचर लेबर और या फिर वहां पे हिंदुस्तानी मर्चेंट थे व्यापारी थे तो गांधी जी पहले ऐसे हिंदुस्तानी वहां पहुंचे जो कि पढ़े लिखे थे वो बैरिस्टर थे अः विलायत पे पढ़ के आए थे बहुत यंग थे उस वक्त परंतु उन्होंने जाके देखा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं इन लोगों को आवाज देने वाला तो कोई नहीं था तो उन्होंने हालांकि वो शुरू शुरू में बहुत हेजिटेट करते थे वो एक ऐसे नेचुरल लीडर नहीं थे कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े स्पीच देने उनको आते हो पहली बारी वो कोर्ट में जब खड़े हुए तो वो बेहोश हो गए वो बोल नहीं पाए पहली बार जो है भारतीय नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में जब वो गए वहां स्पीच देने लगे तो वो भी बोल नहीं पाए फिरोशाह मेहता ने उनकी स्पीच खत्म करी तो वो कोई ऐसे जैसे बॉर्न ओरेटर नहीं थे कि हाँ बहुत जोर-जोर से उनको स्पीच देने आते थे एक्सपीरियंस से अपने आप को सीखा सिखा के उन्होंने बहुत आ, मुश्किल से पर वो टिके रहे उनकी एक खासियत ये थी कि जिस काम को वो शुरू कर देते थे फिर उसको वो छोड़ते नहीं थे एक परसिस्टेंस था उनमें और सीखने की कैपेसिटी थी ये सारी क्वालिटीज आप आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में जो है सामने आती हैं वहां पे कोई नहीं था और ये बिल्कुल यंग एक हिंदुस्तानी वहां पहुंचा बैरिस्टर था एक व्यापारी ने ही उसे बुलाया था अपने केस वगैरह लड़ने के लिए और वो आता आहिस्ता जो है वहां की जो हिंदुस्तानी कम्युनिटी है उसका लीडर बन जाता है क्योंकि और कोई नहीं था आहसा आहसा लोग आने शुरू होते हैं उनके साथ समय लगता है उसमें पर साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने बहुत सारे ये जो विचार है उनके जो आइडियाज हैं उनकी जो फिलोसफी है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका के अपने स्टे में करे थे एक मैं एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि Uh, सत्याग्रह की जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बाद में विस्तार से बात करूंगी तो सत्याग्रह क्या का मतलब क्या है ये वर्ड क्या है वर्ड को भी इन्वेंट करना ये कोई ऐसे पहले वर्ड नहीं था ये सत्याग्रह इनफैक्ट गांधी जी कहते हैं मैंने भी नहीं इन्वेंट किया मैंने तो एक ओपन ऑफर दिया लोगों को कि बताओ मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता कुछ और शब्द बताओ तो लोगों ने मुझे अपने सजेशन भेजे उनमें से मुझे सत्याग्रह वर्ड अच्छा लगा तो सत्याग्रह का जी जो है ये कि सत्य के ऊपर आग्रह करना मतलब एक बार आपने ठान ली है कि ये सच है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी कॉस्ट पे करना पड़े तो ये जो पूरा फिलॉसफी था उनका जिसके बेसिस पे पूरा उनका पॉलिटिकल मेथड जो है वो बनता है बाद में जाके ये पूरी चीजें जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो संघर्ष किया उसके दौरान सब एक्सपेरिमेंट किए सीखा कई बार पीछे हटना पड़ा कई बारी आगे बढ़े और बहुत सारी कई बार जेल गए बहुत बुरी बुरी जेल उन्होंने वहां पे सही सॉलिटरी कंफाइनमेंट रिगरस एनप्रिजनमेंट बहुत खराब तरह के हालात में उनको वहां पे रहना पड़ा ये नहीं है कई बार आजकल हम सुनते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के जो लीडर थे उन्होंने जेल भी गए थे तो बड़ी लग्जूरियस जेल अंग्रेजों ने दी हुई थी मुझे नहीं पता ये फॉल्स न्यूज आजकल कहाँ से आ जाती है कभी देखें कि वो जेल क्या होते थे जिनमें हमारे ये राष्ट्रीय नेता रहते थे तो उनको पता लगेगा हमारे आज के जनरेशन को कि क्या क्या सेक्रीफाइसेज उन्होंने किए तो वहां पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए जैसे कि आश्रम में रहने का एक्सपेरिमेंट आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में, कि में रहू ये एक सैक्रिफाइस है कम्युनिटी में रहना कोई प्रेवसी नहीं आपके परिवार आपके लिए नहीं भी हो तो आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है आपकी बीवी के लिए आपके बच्चों के लिए या आपके शोहर के लिए अगर आप महिला है तो तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था कम्युनिटी लिविंग का लिविंग का जो उन्होंने फार्म और फीनिक्स आश्रम में जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उनके आश्रम में हर धर्म के हर जात के लोग रहते थे सब लोग फिजिकल लेबर करते थे वहां कोई नौकर नहीं होता था और कोई मालिक नहीं होता था और फिजिकल जो है वर्क करना फिजिकल लेबर करना एक वर्च्यू माना जाता था कई सारे ऐसी चीजें प्रिंसिपल्स है, कई हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उन्होंने और उनको अपनी फिलोसफी का अपने तरीके का पूरा उसका हिस्सा बनाया था तो लंबा समय था साउथ अफ्रीका में जिसमें ये सब चीजें उनके सामने हमारे सामने आती हैं। तो अब हिंदुस्तान में आते हैं 1915 में 1914 तक उनको लगा कि मेरा जो साउथ अफ्रीका में जो काम है वो काफी हद तक आगे बढ़ गया है अब यहाँ जो बाकी लोग हैं इसको आगे ले जा सकते हैं जनरल स्मार्ट्स के साथ उनका एग्रीमेंट भी हुआ एक जिसमें कई सारे डिमांड जो थे इंडियन कम्युनिटी के वो माने गए तो उन्होंने फिर फैसला किया कि अब मैं वापस हिंदुस्तान परमानेंटली जा रहा हूँ तब तक और उनका इरादा यही था कि अब मैंने जो भी सीखा है साउथ अफ्रीका के अपने स्ट्रगल में जो भी वहाँ के उपलब्धियां हैं जो भी वहाँ के लेसन हैं, उनको मैं आके हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसी इरादे से वो वापस आए थे कि हिंदुस्तान में वो सक्रिय होंगे कोई ऐसे ही वापस रिटायर होने के लिए वापस नहीं आए थे साउथ अफ्रीका से बड़े क्लियर कट ऑब्जेक्टिव से आए थे कि अब यहाँ पे मुझे पॉलिटिकल रोल प्ले करना है क्यों क्योंकि वो डीपली कन्विंस थे कि उन्होंने जो एक अविष्कार किया है इस मेथड का सत्याग्रह का खासकर ये एक यूनिक चीज है और इसको हिंदुस्तान का जो आंदोलन है उस आंदोलन को इसकी सख्त जरूरत है और उसको ये हिंदुस्तान के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें उसको लागू करना चाहते थे तो जब वो लौट के आए तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु जिनको वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जो कि बहुत बड़े लीडर थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उन्होंने उनको उन्हों कहा कि देखिए आपको हिंदुस्तान के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं यहाँ की राजनीति के बारे में आप बहुत साल बाहर रहे हो बीस साल से भी ज़्यादा तो एक साल आप कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करोगे और एक साल जो है घूम फिर के पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करो और अपने आप को करो और देखो सुनो ऑब्जर्व करो पर बोलो नहीं नहीं अभी अपने पोजीशन लेना वो पहले ये भी सोच के आए थे कि वो गोखले की जो संस्था थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी उसका सदस्य बन जाएंगे पर गोखले ने कहा आप आओ देखो फिर अपना फैसला लेना तो फिर एक साल तक गांधी जी कस्तूरबा उनके साथ आ, थर्ड क्लास रेलवे में पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने सफर किया जगह जगह गए इस चीज से ये भी हमें पता लगता है कि गांधी जी का नाम तब तक हिंदुस्तान की जनता में जाना हुआ था क्योंकि जहां जहां वो जाते थे भीड़ उमड़ के आती थी उनको मिलने के लिए और देखने के लिए कि बहुत बड़ा एक आदमी है जिसने वहां दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के जो हक है उसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है वहां पे बहुत इसने संघर्ष किया है बहुत दी है ये हिंदुस्तान में लोगों को मालूम हो चुका था तो ये नहीं था कि अभी गांधी जी के नाम को कोई जानता ही नहीं था फिर 1917 में उन्होंने पहला राजनीतिक कदम जो यहाँ पे लिया वो चंपारण में लिया चंपारण में आ, वहां पे एक आ, पिक्यूलियर तरह का एक सिस्टम था कि वहाँ पे जो टेनेंट्स थे हिंदुस्तानी थे वो प्रेजेंट टेनेंट्स थे वो यूरोपियन प्लांटर जो थे उन उनके साथ प्रतिबद्ध थे कि वो नील की खेती करेंगे और उस नील को एक फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर उन यूरोपियन प्लांटर्स को बेचेंगे तो एक तरह से आप कह सकते जैसे एक बॉन्डेड लेबर की तरह उनकी स्थिति थी जहां उनको ये आजादी नहीं थी कि उनकी अपनी ही जमीन पे वो कौन सी फसल उगा सकते हैं वो प्रतिबद्ध थे वो एग्रीमेंट जबरदस्ती उनसे साइन कराए हुए थे कि इतने हिस्से में सिर्फ नील की खेती जो है करेंगे और वो प्लांट जो है उनका बहुत अत्याचार करते थे जोर जबरदस्ती करते थे ठीक से उनको पैसे नहीं देते थे तो एक रामचंद्र शुक्ल नाम के ऐसे किसान थे चंपारण के जिन्होंने ये ठान ली कि गांधी जी को मैंने चंपारण लेके आना है उनको यहाँ के किसानों की स्थिति दिखानी है क्योंकि वो किसी तरह से साउथ अफ्रीका में उनकी जो भूमिका थी उसके बारे में जान के उनको ये कन्विक्शन हो गया कि हमारा प्रॉब्लम महात्मा गांधी ही सॉल्व कर सकते हैं तो वो महात्मा गांधी के पीछे घूमने लगे महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में जाके मिले और उनको कहा गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है आएंगे देखेंगे कोशिश करेंगे पर रामचंद्र शुक्ले नाम मानने वाले नहीं थे वो गांधी जी के पीछे लगे रहे जब तक गांधी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ देखते हैं क्या है अब ये फिर गांधी जी वहां गए वहां ने वहां उनकी हवा का हालत उन्होंने जब देखी तो फिर उन्होंने कॉल दी यंग लोगों को स्टूडेंट्स को आवाज दी कि आओ मेरे साथ यहाँ पे आके देखें रिसर्च करें कि यहाँ के लोगों की क्या हालत है और राजेंद्र प्रसाद सिंह बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स पटना यूनिवर्सिटी के जो है वो वहां पहुंचे और गांधी जी के साथ कस्तूरबा भी वहां थी और भी उनके जो तो साथी थे सबने मिल के वहां पे एक तरह से फील्ड सर्वे किया और 8000 किसानों के जो एविडेंस है उन्होंने रिकॉर्ड करी कि यहाँ पे क्या अत्याचार इन पे होते हैं और क्या ये सिस्टम है उसके बाद उन्होंने वहां के जो सरकार है उनको कहा कि देखिए ये प्रथा जो है ये खत्म करनी पड़ेगी इस पे हमारे हिंदुस्तानी लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा है जब उन्होंने ये स्टैंड लिया तो वहां की जो सरकार थी कमिश्नर था उन्होंने गांधी जी को कहा कि तुम बाहरी हो तुम यहाँ के हो नहीं तुम्हारा यहाँ पे आके इन लोगों के हक में बोलने का क्या Uh, मतलब है उन्होंने ऑर्डर पास किया कि उनको चंपारण छोड़ के जाना पड़ेगा गांधी जी ने कहा मैं हिंदुस्तानी होते हुए अपने हिंदुस्तानी भाइयों के हक में नहीं बोल सकता और अंग्रेज सरकार जो है वो बाहर से आके हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को बता सकती है कि तुमको क्या करना है और मेरा कोई हक नहीं अपने लोगों के बोलने के लिए मैं बाहरी हो गया और तुम अंदरूनी हो गए मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रहा अब आपकी आगे मर्जी है जो मर्जी कर लो मेरा यहां रहने का पूरा हक है आपके पास कानून है आपके पास ताकत है आप जो आपने मुझे सजा देनी है आप दे लीजिए अब अंग्रेजी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा एक विडंबना बन गई कि क्या करें आज तक उनको ऐसा लीडर नहीं मिला था पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास करते थे कहते थे आप यहाँ नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते कि वो ऑर्डर नहीं मानते थे तिलक तक जो थे उनको जब पंजाब जाने से रोका गया 1907 या 8 में उनको तो उन्होंने ठीक है अब नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते वो वापिस चले गए अब ये नई बात थी ये था सिविल डिसोबीडियंस ये था सत्याग्रह के अगर कोई हकूमत जो है कोई ऐसा कानून हमारे ऊपर लगाती है कोई ऐसा ऑर्डर पास करती है जो कि गलत है जो एक नैतिक रूप से गलत है चाहे वो कानूनी रूप से ठीक हो पर अगर हम समझते हैं कि हमारे पास सत्य है ट्रूथ है हमारा जो पोजिशन है वो ट्रू है वो करेक्ट है तो हम अपनी पोजिशन पे टिके रहेंगे और बाकी हुकूमत का है वो उसने जो करना है वो कर ले तो जब ऐसे सिचुएशन का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा तो पहले तो वो टिके रहे कुछ दिन पर उन्होंने देखा कि ये ये तो कोई, ये तो कोई आदमी जाने वाला नहीं क्या करेंगे ये तो यही बैठा रहे तो फिर उन्होंने उनके साथ बात करनी को शुरू करी और फिर उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ के किसान तो इनके पीछे हजारों की तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं किंतु महात्मा गांधी ने वहां पर कोई जन आंदोलन नहीं शुरू किया कोई उन्होंने कॉल नहीं दिया कि लोग सिविल डिसोबीडियंस करें या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करें या कुछ भी करें बस इतना ही था कि रिसर्च करी और जाके बताया और कहा कि मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा उन्होंने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जिसमें सारा जो इंडिगो कल्टिवेशन की जो पूरी सिस्टम था उसको स्टडी किया गया और दो तीन साल के अंदर वो सिस्टम जो था वो वहां से हमेशा के लिए खत्म हो गया चंपारण के बाद महात्मा गांधी जो है वो खेड़ा में गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा वहां पे एक आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व दिया वहां के जो किसान थे वहां भी उनको बुलावा आया कि यहाँ पे जो किसान है बहुत पीड़ित हैं क्योंकि यहाँ पे अभी बरसात नहीं होने की वजह से ड्राउट हुआ है किसी और कारण से भी खेती पे जो वो हमारी उपज पूरी नहीं हुई है और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो रूल्स हैं कि अगर 25% परसेंट से कम अगर आपकी उपज है तो आप कह सकते हैं कि हम नहीं दे हम कर नहीं दे पाएंगे तो गांधी जी ने वहाँ जाके वहाँ नेतृत्व किया और वहाँ के लोगों को प्रतिबद्ध किया कि ठीक है अगर आप पक्के हैं तो फिर आप यहाँ सरकार को बोल दीजिए कि हम टैक्स नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए तो वहाँ उन्होंने एक नो no टैक्स आंदोलन जो है आ, उसकी वहाँ पे उन्होंने आ, शुरुआत की और वो आंदोलन है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहली बार राजनीति में उतरे जब वहाँ पे कॉल हुआ तो वो भी एक बैरिस्टर थे अहमदाबाद में बड़े अच्छे खाते पीते बैरिस्टर थे बड़े वेस्टर्नाइज्ड थे शाम को क्लब में जाके कार्ड्स खेलते थे जैसे कि एक वेल टू डू बैरिस्टर करते हैं और उन्होंने भी गांधी जी का जो कॉल थी उसको आंसर किया और खेड़ा में जाके गांधी जी के साथ जुड़ गए और बाकी तो फिर बाकी कहानी तो सबको मालूम है उनका जो रोल हमारे इतिहास में रहा है खेड़ा के बाद अहमदाबाद में मजदूरों का एक आंदोलन हुआ वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है वहां की कि वो आंदोलन जो था वो वर्ल्ड वॉर उस वक्त विश्व युद्ध पहला चल रहा था कीमतें वगैरह काफी बढ़ गई थी जो मजदूर थे उनके जो वेतन है वो बढ़े नहीं थे तो ऐसे कई डिमांड्स थी उनकी तो उन्होंने भी गांधी जी को बुलाया और कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए हमें नेतृत्व कीजिए तो गांधी जी ने रिस्पॉन्ड किया अहमदाबाद में ही रहते थे तब उनका आश्रम वही था और इंटरेस्टिंग चीज ये है किसुईया बहन जो कि एक बहुत ही अमीर सारा भाई फैमिली से आती थी जिनके भाई जो थे वो बहुत बड़े मिल ओनर थे और जो जिनके भी खिलाफ ये आंदोलन था तो अनुसुईया बहन जो थी वो गांधी जी के साथ मजदूरों के आंदोलन को Uh, उन्होंने अपना सपोर्ट uh, किया और मज़दूरों के अंदर वो बैठ गई अपने ही भाई के uh, एक तरह से खिलाफ तो बहुत uh, एक रोचक तरह का ये आंदोलन था uh, मज़दूरों का जो गांधी जी ने डाला उसके बाद उन्होंने एक अहमदाबाद uh, uh, जो uh, टेक्सटाइल सॉरी अहमदाबाद वर्कर्स का एसोसिएशन बहुत ही जो पावरफुल और बहुत देर तक वो चलता रहा और उसका जो जो आप सब जानते हैं सेवा बाद बाद में बना स्थापना इस आंदोलन के बाद गांधी जी ने की तो ये कब कहानी में थोड़ी लंबी इसलिए शुरू की बता रही हूँ कि गांधी जी की जो एक छवि हिंदुस्तान के लोगों में बनी उनके हिंदुस्तान आने के बाद उनके हिंदुस्तान आने से पहले वो छवि कुछ अलग सी छवि बनी वो छवि ये थी कि ये एक ऐसा अनोखा नेता है जो कि स्वतंत्रता संग्राम की बात तो करता ही है पर साथ में जो हिंदुस्तान की आम जनता है जो साउथ अफ्रीका में जो गरीब हिंदुस्तानी थे जो मजदूर थे जो खानों में काम करते थे जो प्लांटेशन में काम करते थे यहाँ पे इंडिगोटेड है यहाँ पे जो खेड़ा का किसान है यहाँ पे जो मजदूर है ये उनके हकों के लिए लड़ता है ये एक नई चीज थी और इस तरह से उनकी जो ये गरीब नवाज वाली जो छवि थी ये जो छवि थी ये जो बनी मुझे लगता है ये बहुत ही एक इसकी अहमियत है गांधी जी का जो उनका जो नेतृत्व जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो बना इसके बाद इसमें इस छवि की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमको ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से उनके आने के बाद स्वतंत्रता संग्राम जो है स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसमें एक जैसे मैंने कहा कि एक जनता के अंदर उसकी नींव कैसे रखी गई तो इसमें ये बहुत जरूरी इस ये पृष्ठभूमि है फिर उन्नीस 1919 में एक आंदोलन हुआ एक राउलट एक्ट बनाए गए थे जो कि अभी हमारा जो यू है उसके जैसे ही थे जैसे कि किसी को भी बहुत दिन तक अंदर बगैर ट्रायल के बंद किया जा सकता है और ये वहाँ उस वक्त जो हमारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी उसमें जो काफी यंग लोग उस वक़्त सक्रिय थे उनके खिलाफ यूज करने के लिए बनाए गए थे तो इनके खिलाफ गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया उन्नीस में और उन्होंने ये कॉल दिया कि इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह किया जाएगा और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने जब ये कॉल दिया तो उन्होंने कांग्रेस के जरिए से ये कॉल नहीं दिया उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई और ऐसे ही एक जनरल कॉल दिया लोगों को कि आप लोग आके इस पे जुड़े और बहुत सारे लोग जो कि कुछ कांग्रेस के थे होम रूल मूवमेंट में सक्रिय रहे थे तिलक के फॉलोअर्स थे अनिबसेट के फॉलोअर्स थे बहुत सारे लोग ऐसे खासकर यंग लोग जो थे उन्होंने रिस्पोंड किया गांधी जी के इस कॉल को और ये काफी पावरफुल सत्याग्रह जो था बना ऑल इंडिया लेवल पे हड़ताल की कॉल दी गई और बड़ा सक्सेसफुल हुआ इस पे ट्रजेडी इस पे ये हुई कि इसी के दौरान जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ इसी के के ये ये, ये राउलेट के एक्ट uh, के खिलाफ ही जो सत्याग्रह था जब ये पंजाब में इसने बहुत जोर पकड़ा तो वहां पे जो है मार्शल लॉ लगा दी गई और अमृतसर में खासकर जनरल डायर ने जिस तरह से एक शांति पूर्ण एक वहां पे प्रदर्शन हो रहा था एक प्रदर्शन भी नहीं था एक मीटिंग थी एक बैसाखी के दिन लोग त्योहार था गोल्डन टेंपल में आए हुए थे और ये पास ही ये जगह थी तो वहां एक कॉल दिया गया कि लोग वहां पे एक सभा में आए और शांतिपूर्ण सभा में लोग वहां चले गए और फिर इस तरह का अत्याचार उनपे हुआ जो आप सबको ही मालूम है ये जो जलियावाला बाग वाला जो कांड था इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि इसके बाद जो है कांग्रेस ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसमें महात्मा गांधी जिसके मेंबर थे मोतीलाल नेहरू भी थे मदमन मालवीय भी थे पर गांधी जी ने ही इसकी बेंडी जो रिपोर्ट थी वो लिखी और बहुत बड़ा रोल गांधी जी ने इस वक्त निभाया पूरे इसका विश्लेषण करने के लिए रिसर्च करने के लिए कि किस तरह सिर्फ जेलियां वाला बाग के ऊपर नहीं पंजाब में पूरे पंजाब में किस तरह से अत्याचार हुए थे और पूरे उसके बाद किस तरह जो है अंग्रेजों ने किस तरह इसको छुपाने की कोशिश की इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की और ये डिटेल में जब गांधी जी ने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या रुख उन्होंने अपनाया है तब वो कन्विंस हो गए कि अब जो है ये अंग्रेजी राज जो है इसको जाना ही पड़ेगा ये इसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता 1918 तक गांधी जी ने पहले ये स्टैंड लिया था कि हम इस साम्राज्य में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे इस इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए ब्रिटिश एम्पायर के एज सिटीजन हम अपने हक मांगेंगे परंतु जलियांवाला बाग का जो एक्सपीरियंस था जिसको वो कहते थे पंजाब में जो बहुत बड़ा कांड हुआ उसके बाद वो कन्विंस हो गए कि उन्होंने ये वर्ड यूज करना शुरू किया सैटेनिक गवर्नमेंट सैटेनिक मतलब जिस जिस मतलब एक तरह से बिल्कुल ही ईवल इस जिसको के किसी तरह से बदला नहीं जा सकता एक ये सैटेनिक गवर्नमेंट का खिताब उन्होंने फेर दिया और कहा कि ये जो इस है इसको हमें बदलना ही पड़ेगा हमें तब उन्होंने स्वराज की बात करनी शुरू करी और कहा कि अब हमें स्वराज चाहिए इसके बाद जो है उन्होंने फिर असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉल उन्होंने दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी 1920 में शुरू हुई और गांधी जी ने उसके दो कारण बताए थे कि क्यों हमको असहयोग आंदोलन करना जरूरी है अंग्रेजों के साथ एक था खिलाफत का प्रश्न और दूसरा था पंजाब में जो अत्याचार हुए हैं वो प्रश्न और तीसरा था कि हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं ये तीन चीजें उन्होंने बताई थी असहयोग आंदोलन के समय शुरू करने के लिए और उन्होंने पहले अगस्त 1920 को इसका कॉल दिया और ये आंदोलन शुरू हो गया इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस में भी ये अपील की कांग्रेस कि कि इस आंदोलन को पूरी तरह सपोर्ट करे कांग्रेस के अंदर डिस्कशंस हुए बहुत हीटेड डिस्कशन हुए कुछ लीडर अगेंस्ट थे कुछ लीडर उसके हक में थे पर आखिर में डिस्कशन डिबेट के बाद गांधी जी की बात जो है वो मानी गई हालांकि वो कांग्रेस में उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी पर वो नई बात जो लेके आए थे उनकी जो नई आवाज थी वो लोगों ने सुनी और पूरा अन्य लीडर जो थे जिनके अपने व्यूज पहले अलग थे बहुत सारे वो लीडर बदल गए और उन्होंने गांधी जी की बात मान ली ये एक बहुत बड़ी चीज है वो लीडर गांधी जी से कहीं सीनियर थे सी आर दास जैसे लोग मोतीलाल नेहरू जैसे लोग राय जैसे लोग वो बहुत पुराने और जमे हुए लीडर थे पर उन्होंने देखा कि इस आदमी में और इसकी बात पे कुछ है जो नया है जिससे हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक स्फूर्ति मिलेगी तो उन्होंने अपने जो तरीके थे उनको स्थगित करके उनको साइड में रख के गांधी जी का जो तरीका था नॉन कोऑपरेशन का जो उन्होंने कॉल दिया उसको उन्होंने अपना लिया और उसके बाद जैसे कि कहते हैं फिर तो पूरा क्रम जो है वो चल पड़ा तो स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी बड़ी लड़ाइया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई उनका डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी

और उसके बीच में बहुत सारे छोटे बड़े आंदोलन जो इसी आंदोलन का हिस्सा थे हालांकि वो कई बार कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर नहीं थे कई बार बार उसकी एसोसिएटेड पार्टीज के लीडरशिप पे थे कई बार ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर में थे पर ये पूरा एक दौर था आंदोलनों का जिसमें एक बड़ा आंदोलन एक बड़ी धारा जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन की थी और उसके साथ कई और छोटी जो धाराएं थी जो उसमें मिलती रहती थी फिर उससे कभी अलग जाती थी फिर वापस आके मिल जाती थी और ये नदी जो है ये सैलाब जो है ये बड़ा होता रहा जब तक के हमें आजादी नहीं मिल गई तो इसमें मजदूरों के आंदोलन है ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी इसमें किसान सभा मूवमेंट थी ऑल इंडिया किसान सभा बनी उन्नीस में जाके वमेन्स मूवमेंट बहुत पावरफुल था ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बनी अकाली मूवमेंट थी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ एक तरह से मिल गई एंटी कास्ट मूवमेंट थे वाइकोम सत्याग्रह गुरु गायर सत्याग्रह बहुत सारे आंदोलन थे सबसे इंपॉर्टेंट बारदोली किसान आंदोलन 1928 में जो कि सरदार पटेल के नेतृत्व में लड़ा गया जिसमें के एक छोटे से ताल्लुका बारदोली ताल्लुका जो सूरत जिले का हिस्सा था उसमें जो सत्याग्रह का जो मेथड है जो गांधी मेथड है उसको एक लेबोरेटरी फॉर्म में दिखाया गया कि ये कैसे सक्सेसफुल हो सकता है एक छोटा सा हिस्सा हिंदुस्तान का एक जिला भी नहीं एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं एक तालुका इतने बड़े साम्राज्य को जो है उस घुटने टेका सकता है अगर सब लोग इकट्ठे हो जाए अगर सब लोग सरकार से असहयोग करें अगर टैक्स ना दे अगर कानून ना माने परंतु एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एकदम अहिंसक तरीके से एक भी पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है एक भी गाली निकालने की भी जरूरत नहीं है एक बंदूक उठाना तो दूर रहा तो भी आप जो है बड़े से बड़े साम्राज्य को जो है हरा सकते हैं ये जनता के पास ये अहिंसक शक्ति है तो ये बारदोली आंदोलन भी एक बहुत बड़ा हमारा आंदोलन बड़ा इस तरीके से के बड़े पैमाने पे नहीं था पर बहुत बड़ा उसकी अहमियत थी क्योंकि उसने दिखाया हमारे लोगों को कि कैसे ये गांधीयन मेथड जो है ये सक्सेसफुल मेथड है ये कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है जब कंडीशंस जो हैं फॉर्च्यूटिस हो जो लोग कई डाउटफुल थे उन्होंने भी बारदोली के किसान आंदोलन के बाद इस मेथड को जो है मानना शुरू किया तो कुछ चीजें मैं जो है जो जनरल तरह की जो बातें हैं इनके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं गांधीन मूवमेंट के उनके बारे में मैं जरा आ, आ, अब बात करना चाहूंगी तो ये गा, गांधीयन जो मूवमेंट है और गांधी जी के जो विचार हैं उनके जो बेसिक पॉलिटिकल मेथड है जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें क्या चीजें हैं जो कि कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है जिनको के थोड़ा विस्तार में और उनका जो तो थोड़ा विश्लेषण करने की हमें जरूरत है अभी तक मैंने आपको कहानी सुनाई है अब थोड़ा सा मैं आपको विश्लेषण की तरफ ले जाती हूँ सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही थी उन्होंने कहा था कि uh, गांधी जी जो है मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ फिर उसका तर्जुमा कर दूंगी उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी विदाउट डाउट इज मेड ऑफ द स्टफ ऑफ विच एंड मार्टर्स आर मेड बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली हैज इन हिम द मार्वल स्पिरिचुअल पावर to टू टर्न ऑर्डिनरी मैन अराउंड हिम इन टू हीरो गांधी जी में कुछ ऐसी है जो, वो, वो चीज है जिससे शहीद बनते हैं और हीरो बनते हैं वीर बनते हैं और दूसरा उन्होंने कहा कि उनमें एक शक्ति है कि वो आम इंसान जो है उनको भी हीरो और मार्टर बना सकते हैं उनमें ये क्वालिटी डाल सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं ऐसे काम करने के लिए जो नॉर्मली सिर्फ हीरोज और मार्टर्स जो वीर हैं, जो शहीद हो जाते हैं उन लोगों में वो शक्ति है तो ये जो उन्होंने गोखले ने गोपाल चीज देखी गांधी जी में मैं कि जो गांधी जी का तरीका था सत्याग्रह का ये शक्ति जो गांधी जी में थी ये ये शक्ति जो थी ये सत्याग्रह के माध्यम से ये शक्ति उनके पास आई ये सत्याग्रह का इस्तेमाल करके ही वो आम जो जनता थी आम आदमी और औरत थे उनको वो इस काम के लिए प्रेरित कर सकते थे कि वो ऐसे काम कर सके ऐसे बलिदान दे सके जैसे कि नॉर्मली सिर्फ बहुत कोई ट्रेन लीडर या बहुत रेयर जो है वो दे सकते हैं और मुझे लगता है कि ये जो शक्ति थी उनमें इसी के कारण वो जो है हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर इतना जो गहरा उनका इम्प्रिंट रहा इतनी गहरी जो छाप पड़ी उसके कारण पड़ी तो ये सत्याग्रह जो है ये क्या चीज थी गांधी जी की क्या समझ थी सत्याग्रह के बारे में इसको मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा डेप्थ में मैं इसमें जाना चाहूंगी तो गांधी जी के लिए सत्याग्रह जो है वो सिर्फ एक 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 तरह का एक दार्शनिक विचार नहीं था उनके लिए ये एक ऐसा लड़ाई का तरीका था ये लड़ने का तरीका था ये प्रतिरोध का तरीका था ये आंदोलन का एक मेथड था जो उन्होंने अपने राजनीतिक एक्सपीरियंस से उन्होंने बनाया था सत्याग्रह में सबसे जो जरूरी चीज है जो कि मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगी वो है प्रतिरोध विरोध करना किस चीज का विरोध करना कोई भी ऐसा चीज हो जिससे उत्पीड़न हो रहा हो अत्याचार हो रहा हो जुल्म हो रहा हो चाहे वो नस्लवाद हो चाहे वो उपनिवेशवाद हो चाहे वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन uh, हो भेदभाव हो चाहे वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो चाहे वो डेमोक्रेसी का डिनायल हो चाहे वो गरीबी का अत्याचार हो कोई भी जो अत्याचार है कोई भी जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ खड़ा होना उसका प्रतिरोध करना ही सत्याग्रह की डेफिनेशन है सत्याग्रह के माने है सत्याग्रह का मतलब कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि सत्याग्रह का मतलब है कि आप जो है फास्ट अन् टू डेथ पे चले जाइए नहीं वो उसका हिस्सा है पर सत्याग्रह एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी गांधी जी का जो सत्याग्रह का पूरा कॉन्सेप्ट था वो एक मिलिटेंट स्ट्रगल का था एक जोरदार लड़ाई का था अहिंसक परंतु जोरदार लड़ाई का था ये कॉन्सेप्ट जो था इसमें कई चीजें थी जिसमें जो इसके अंदर निहित थी जो इसमें छुपी हुई थी इसमें उनकी जो समझ थी आधुनिक जो राज्य व्यवस्था है मॉडर्न स्टेट उसके बारे में गांधी की जो समझ थी वो इसके अंदर निहित थी लोगों की सैक्रिफाइस करने की लोगों की आम जनता की त्याग करने की जो क्षमता है वो कितनी है कम है ज्यादा है कब होती है नहीं होती है ये सब चीजें जो है सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट में एम्बेडेड है विरोध जो है आंदोलन जो है उसको कब शुरू करना है उसको कब खत्म करना है ये सब चीजें भी सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट के अंदर है सत्याग्रह जो है उसके अंदर असहयोग आंदोलन भी आता है जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी उसके अंदर सविनय अवज्ञा भी आती है उसके अंदर चरखा काटना भी आता है उसके अंदर विदेशी कपड़े का बहिष्कार भी आता है उसके अंदर शराब का और नशीली वस्तुओं का बहिष्कार भी आता है उसके अंदर अदालतों का बहिष्कार भी आता है उसके अंदर टैक्स नहीं देना कर नहीं देने की जो मूवमेंट है वो भी आती है और उसके अंदर आमरण अनशन भी आता है तो सत्याग्रह ग्रह एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना उसके लिए तरीके जो कई हो सकते हैं परंतु ये जो एक तरीका गांधी जी ने अपनाया सत्याग्रह का उनकी ये समझ थी कि इसके माध्यम से वो आम जनता को एम्पावर कर सकते हैं उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं उनको राजनीति में एक एक्टिव एजेंट के फॉर्म में उतार सकते हैं लोग जो है लीडरों के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट होंगे लोग अपने आप सड़क पे उतरेंगे, लोग मीटिंग अटेंड करने खुद आएंगे लोग खुद जेल जाएंगे ये नहीं कि कुछ लीडर उनको रिप्रेजेंट करेंगे और काम हो गया उनकी ये धारणा थी कि अगर आम लोग जो है गरीब जनता जो है अगर वो राजनीति में डायरेक्टली सीधा हिस्सा लेना शुरू कर दे तो वो कुछ भी उद्देश्य जो है वो उसको जीत सकती है उनकी ये मानना था इसके लिए अहिंसा जो है उनको उनकी ये उनको ये मानना था कि अहिंसा इसका बहुत जरूरी हिस्सा है क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जब तक आंदोलन अहिंसा को नहीं अपनाएगा अहिंसक नहीं रहेगा तो आम जनता उसमें हिस्सा नहीं ले पाएगी हिंसक आंदोलन में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हिस्सा ले पाते हैं उनका यह भी मानना था कि एक जन आंदोलन जो है एक अहिंसक जन आंदोलन तब तक अपना उद्देश्य नहीं जीत सकता जब तक लोग उसमें बड़ी तादाद में जमा नहीं हो तो दोनों पहलू थे जन आंदोलन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब लोग उसमें हिस्सा ले अहिंसक जन आंदोलन और लोगों को उसमें हिस्सा लेने की क्षमता बनाने के लिए ये जरूरी है कि जन आंदोलन जो है वो अहिंसक रहे अगर वो हिंसा का रास्ता अपनाएगा तो वो जैसे कि एक एलिट मूवमेंट बन जाएगा गांधी जी ने खुद इसके बारे में कैसे क्या कहा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गांधी मार्च में जाने के पहले एक दिन पहले बहुत सारे लोग साबरमती आश्रम में इकट्ठे हो गए सब पता था लोगों के कि बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं गांधी जी तो लोग जो वहां आए हुए थे तो गांधी जी आए और उन्होंने उनसे बात करनी शुरू की और उनको जैसे एक छोटा सा भाषण दिया और उनको समझाया कि मैं क्या करने जा रहा हूं तो गांधी जी ने लोगों को कहा कि आप मुझे ये बताइए कि एक दो दिन में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है एक जंग शुरू होने वाली है तो फिर ये कैसे हो रहा है कि आप सब लोग इतना निडर हो के यहाँ पे मेरे आश्रम में आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बॉम्ब का इस्तेमाल करने जा रहा होता या बंदूक लेके लड़ाई करने जा रहा होता या आपको डर होता कि सरकार यहाँ पे दबाएगी हमें हिंसक तरीकों से तो आप कोई यहां आ पाते पर तुम्हें कोई डर नहीं है कि सरकार यहाँ पे राइफल से या बॉम्ब से आपको उत्पीड़न करेगी क्यों नहीं तुम्हें डर है कहा कि अगर मैं एक हिंसक आंदोलन शुरू कर रहा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि सरकार मुझे अभी तक खुला छोड़ती अभी तक मैं जेल में नहीं होता क्या तुम दिखा सकते हो मुझे पूरे इतिहास में विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण चाहे वो अमेरिका में हो या विलायत में हो या रशिया में हो जहा सरकार जो है वो एक भी दिन अपनी जो सत्ता का उसका जो पावर है उसको इस तरह से डिफाई करना टॉलरेट कर सकती है पर यहां पे तुम्हें मालूम है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी और तुम्हें मालूम है कि सरकार जो है इस वक्त असमंजस में है उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और आगे बात करते हुए और अहिंसक आंदोलन समझाते हुए उन्होंने लोगों को कहा हिंदुस्तान में सात लाख गांव हैं, अगर सात लाख गांव में सिर्फ दस लोग हर गांव में गैर कानूनी तरीके से नमक बनाने लगे तो तुमको क्या लगता है कि ये सरकार कुछ कर सकती है इतने सारे गांव में उनके पास क्या शक्ति है कि वो लोगों को दबा सकती है बुरे से बुरा जो सत्ता अधिकारी है वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि लाखों अहिंसक आंदोलनकारियों को एक तोप के मुंह से उड़ा दे इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता अगर थोड़ा सा भी कष्ट करने को तैयार हो तो हम इस सरकार को बहुत जल्दी ही थका दे सकते हैं ये जो भाषण था इसमें गांधी जी ने कई कुछ कहा दो बहुत जरूरी बात थे उन्होंने कही जिनकी तरफ में आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ एक तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो असमंजस में है उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या रुख है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इस सरकार को थका दे सकते हैं ये दोनों चीजें अगर हम समझे तो अहिंस अहिंसक तो जो आंदोलन है उसका जो एसेंस है उसकी जो सबसे जरूरी चीज है हम उसको समझ सकते हैं आंदोलन आ, कई आंदोलन गांधी जी ने जो चलाए उसमें उन्होंने हमें करके दिखाया कि कैसे सत्याग्रह जो है अहिंसक जो सत्याग्रह जो है वो सरकार को असमंजस पे डाल देता है वो उसको ऐसी स्थिति में डाल देता है जिसमें से निकलने का उसके पास कोई तरीका नहीं होता क्यों कैसे इसलिए कि अगर वो एक ऐसे आंदोलन को जो खुलेआम उसके कानूनों का कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको कुछ नहीं करता अगर उसको नहीं दबाता अगर उसका कोई जवाब नहीं देता तो लोग ये कहेंगे कि ये कैसी सरकार है ये तो बहुत कमजोर सरकार है इसके पास कोई पावर ही नहीं है इसकी तो कोई अथॉरिटी नहीं है तो सरकार कमजोर हो जाएगी परंतु अगर वही सरकार एक अहिंसक आंदोलन को जिसने के कोई पत्थर नहीं उठाया कोई बंदूक नहीं उठाई किसी को गाली भी नहीं निकाली अगर ऐसे आंदोलन को वो एक बहुत बुरे तरीके से हिंसक तरीके से उसको दबाती है तो लोग क्या कहेंगे कि ये कैसी सरकार है ये तो जनता विरोधी सरकार है जो कि लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे लोग तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं फिर भी ये सरकार इतनी खराब है कि लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है उनको दबा रही है क्या हमको इतना भी हक नहीं है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर सके शांतिपूर्ण विरोध कर सके तो दोनों हालात में अगर सरकार कुछ नहीं करती है और अगर सरकार कुछ करती है दबाती है तो जो है सरकार की जो पोजीशन है उसकी जो अथॉरिटी है वो कमजोर हो जाती है उसकी जो इज्जत है उस पर जो है धक्का लगता है और आंदोलन जो है उसको फायदा होता है क्योंकि लोग उसकी तरफ खिंच के आते हैं क्योंकि लोग या तो ये देखेंगे ये तो सरकार बड़ी कमजोर है चलो विरोध करते हैं इसका और या लोग ये कहेंगे ये तो सरकार बहुत खराब है इतने सविनय आंदोलन को इस तरह से व्यवहार करती है तो हमें भी ज्वाइन करना चाहिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाहौर में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस उन्होंने दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में जब पहली बार वो प्रेसिडेंट बने थे ये वो अधिवेशन था उन्नीस का जिसमें संपूर्ण आजादी की बात जो है कांग्रेस ने अडॉप्ट करी थी कम्प्लीट इंडिपेंडेंस तो वहां उन्होंने ये कहा था ये अहिंसक आंदोलन के बारे में और मैं आपको कोट कर रही हूँ कि कोई भी बड़ा आंदोलन आज के जमाने में जो कि आजादी के लिए लड़ रहा हो उसे एक जन आंदोलन बनने की जरूरत है और 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 बहुत बड़े पैमाने में हिस्सा लेती है ऐसे आंदोलन जो है उनको हमेशा अहिंसक रहने की जरूरत है और अगर जो मुख्य धारा है वो अगर अहिंसक है वो शांतिपूर्ण है तो अगर उसके आसपास दूसरी जो धाराएं हैं वो अगर हिंसा का सहारा लेने लगेंगी तो वो मुख्य धारा को नुकसान पहुंचाएंगे उन्होंने अपने तरीके से नॉन वायलेंट जो मेथड है उसको समझाने की कोशिश की और ये भी कहने की कोशिश की कि अगर दूसरे जो आसपास के मूवमेंट्स हैं वो पीसफुल नहीं रहेंगे तो उससे मेन मूवमेंट को नुकसान पहुंचेगा गांधी जी ने भी 1920 में जो रेवोल्यूशनरीज थे जो बहुत थे, गांधी जी उनको एडमायर करते थे उनके को उनसे अपील करी थी गांधी जी ने जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने लगे असहयोग आंदोलन शुरू करने लगे तो उन्होंने उनको बुलाया उनसे बातचीत करी और कहा देखो मुझे अपना तरीका जो है उसका प्रयोग करने के लिए उसको ट्राई आउट करने के लिए ये जरूरी है कि तुम लोग जो है अपने जो हिंसक तरीका है उसको कुछ देर के लिए साइड में रख दो सस्पेंड कर मुझे अपना तरीका एक्सपेरिमेंट करने दो उसको ट्राई आउट करने दो पर वो तभी ट्रायल हो सकता है अगर उस वक्त हिंसक तरीके नहीं हों और मजे की बात यह है कि जो हमारे मूवमेंट के लोग थे जो गांधी जी से एग्री नहीं भी करते थे उन्होंने गांधी जी के बात मानी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कोई भी हिंसक तरीका जो था वो नहीं अपनाया ये इस तरह के रिश्ते थे हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन की धाराएं थी उनके आपसी रिश्ते इस तरह के नहीं थे एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे उनमें फर्क जरूर थे पर वो दुश्मनी नहीं थी गांधी जी के बारे में एक और बात ये कहना चाहूंगी कि अगर आज शायद लोग सोचते होंगे कि वो बहुत एक संत किस्म के आदमी थे और बहुत बड़े लीडर थे बाकी छोटे लीडर है वो काम करते होंगे गांधी जी अपने आश्रम में रहते थे नहीं ये आंदोलन खड़े करने के लिए गांधी जी ने खुद पूरे देश का दौरा किया हर जगह खुद जाते थे अपने थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में वो बैलगाड़ी से जाते थे वो पैदल जाते थे वो कश्तियों से जाते थे वो कार से जाते थे कोई भी साधन कोई हिस्सा नहीं हिंदुस्तान का जहां वो नहीं गए हो ये आंदोलन खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करके जो है सत्याग्रह का आंदोलन जो है खड़ा होता है वो आराम से बैठ के नहीं होता ये नहीं है कि जनता जो है वो सड़क पे लड़ाई कर रही है और लीडर जो है वो अंदर आश्रम के अंदर या अपने घरों के अंदर बैठे हैं एक और चीज जो बहुत जरूरी है समझने के लिए वो ये है कि गांधी जी ने हिंदुस्तान के लोगों को एक चीज सिखाई उसको हम कह सकते हैं उसको अंग्रेजी में हम कहेंगे फियरलेसनेस गेटिंग ग्रीड ऑफ योर फ्यर हिंदी में कई वर्ड यूज कर सकते हैं एक अच्छा वर्ड है अभय एबसेंस ऑफ फ्यर निर्भय भी है जिसको डर नहीं लगता हो तो ये जो चीज थी ये क्यों इम्पोर्टेंट थी क्योंकि भारत की जो जनता थी खासकर गरीब जनता हमारी और दूसरे भी अंग्रेजों के जमाने में एक पूरा एटमोसफियर था वो डर का एटमोसफियर लोग डरे रहते थे सरकारों से डरे रहते थे पुलिस से डरे रहते थे जमींदारों का डर होता था गरीबी का डर होता था जमींदारों के एजेंट का डर होता था मुंशी आएगा टैक्स लेने के लिए रेंट लेने के लिए बेरोजगारी का डर था खाने को कुछ नहीं मिलेगा जवालाल नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि इतने तरह का जो डर थे अंग्रेजी राज के समय उन सब के खिलाफ जो है गांधी जी ने अपनी आवाज उठाई और उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से कहा सिंपल शब्द डरो मत अपने डर को अलग करके फेंक दो क्योंकि बगैर डर को भुलाए बगैर डर को हटाए आप कोई किसी भी तरह का विरोध नहीं कर सकते कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो ये गांधी जी की एक खासियत थी कि उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को निडर होना सिखाया जेल जाने का डर था कोई बात नहीं हम जेल जाते हैं जेल अच्छी बात है हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने अपराध नहीं किया ये गांधी बेट की खासियत थी आप जेल जाने के लिए कानून तोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालिए तो डर का आ रहा तो ये जो पूरा तरीका था लड़ाई का ये एक निडर तरीका था आप चैलेंज कर रहे हैं अंग्रेजों को कि कर लीजिए जो करना है मारना है मार लीजिए जेल डालना है डाल लीजिए हम अपने सत्य जो है अगर हमारा सत्य है कि आजादी हमें चाहिए तो हम उस सत्य के ऊपर टिके रहेंगे आपने जो करना है वो कर लीजिए हमारा जो त्याग है हमारा जो बलिदान है वो हम अपने ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं अपने ऊपर जो कष्ट ले रहे हैं वो जो है हमारे लोगों को इंस्पायर करेगा और हमारा आंदोलन उससे सशक्त होगा गांधी जी ये भी बार-बार लोगों को सिखाते थे कि अहिंसा जो है वो कमजोर लोगों का तरीका नहीं है अहिंस उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा वॉट यू थिंक वेर इन कार इज रिक्वायर्ड इन ब्लोइंग अदर्स टू पीसेस फ्रॉम बिहाइंड अ कैनन और विद अ स्माइलिंग फेस टू अप्रोच अ कैनन एंड बी ब्लोन टू पीसेस हु इज द ट्रू वॉरियर

काम तो तोप कर रही है तोप आपको बचा रही है आप बहादुर कहां से हो गए बहादुरी तो उसमें है कि आप तोप के सामने खड़े हो और आपको डर नहीं है कि तोप आपको उड़ा देगी असली वीर कौन है असली सोल्जर कौन है वो जो कि मौत से डरता नहीं है या वो जो को दूसरों को मौत के घाट उतारता है वो शख्स जिसमें बहादुरी नहीं है जिसमें कारिज नहीं है साहस नहीं है वो कभी भी एक सच्चा सत्याग्रही नहीं हो सकता यही चीज थी सत्याग्रह में जो कि आम जनता को आम आदमी और आम औरत को जो है ऐसे बड़े बड़े त्याग बड़े बड़े करने के लिए इंस्पायर करती रही हम डांडी मार्च के बाद जो धरासना धरासना रेड्स हुए जिसमें एक के बाद एक जो थे जत्थे सत्याग्रहियों के वो जाते रहे और किस तरह से उनकी पिटाई होती रही और किस तरह से वो एक हाथ भी नहीं उठाते थे और किस तरह अकाली थे गुरु का बाग में जिस तरह से उन्होंने पुलिस की लाठियां सही कितने लोग मारे गए ये सब हम जब देखते हैं एक अहिंसक आंदोलन में जो साहस है हिंसा सहने का साहस और उस पर भी आप हाथ नहीं उठाओगे इसके लिए बहुत साहस चाहिए गांधी जी का जो अहिंसा पे वो जोर देते थे उसमें एक और कारण भी था वो कहते थे कि आप जो उद्देश्य जीतना चाहते हो जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने के जो तरीके हैं वो भी आपके उतने ही अच्छे होने चाहिए जितना आपका उद्देश्य अच्छे उद्देश्य को पाने के लिए आप अगर गलत तरीके अपनाएंगे तो वो आप अच्छे उद्देश्य की तरफ नहीं जाएंगे आपका रास्ता भटक जाएगा अगर आप एक ऐसा समाज बनाना चाहते हो जो कि दयालु हो जो कि लोगों को प्यार करे जहां लोग आपस में भाईचारे में रहें, जहां आजादी हो तो आप उसको हिंसा पे उसका आधार बना के नहीं बना पाएंगे ऐसा समाज वो बंदूक जो आपने जब आप लड़ाई लड़ रहे थे अपने शत्रु के ऊपर तानी हुई थी जब आपकी आजादी मिल जाएगी जब आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी वो बंदूक जो है वो अपने ही साथी की तरफ उसका मुंह मुड़ जाएगा वो हिंसा आपके अंदर आ जाएगी वो ये भी कहते थे और आज मुझे उनकी बात जो है वो रोज याद आती है वो कहते थे कि इस देश में इतनी तरह के भिन्नताएं हैं इतने सारे हमारे इतने धर्म हैं इतने सेक्ट हैं इतनी जातियां हैं इतनी ज्योग्राफीज हैं कस्टम्स हैं लोगों के अलग अलग तरीकों के अगर हम अहिंसा नहीं अपनाएंगे तो ये जो हमारे फॉल्ट लाइंस है ये जो हमारे डिफरेंसेस है जब भी ये डिफरेंसेस जो है ये जो हमारे फर्क है जब वो भेदभाव का रूप अख्तियार करेंगे और उसमें अगर हम हिंसा का इस्तेमाल करेंगे तो भेदभाव भरते जाएंगे और हम वापस जो है उनसे नहीं अपने कदम उठा पाएंगे हम हिंसा जब रस्ते में आ जाती है तो दरार बढ़ती जाती है और फिर मन मुटाव होता जाता है और दिलों को मिलाना मुश्किल हो जाता है इसलिए भी ये जरूरी है कि हम अहिंसा अपनाएं और मैं आज जब देखती हूँ हमारे आसपास जाति के नाम पे धर्म के नाम पे भाषा के नाम पे ट्राइब वर्सेस नॉन ट्राइब के नाम पे मिजो वर्सेस नागा के नाम किस तरीके से जो आइडेंटिटीज है उसको लेके जब डिफरेंसेस होते हैं बजाय उनको पीसफुली रिजोल्व करने के जब हम वायलेंट बीम एक बार यूज करने लग जाते हैं तो हम कहीं फंस जाते हैं क्योंकि फिर ग्रीवेंसेस बन जाती एक बैगेज बन जाता है जिसमें से निकलना आसान नहीं होता कुर्बानियां हो जाती हैं विक्टिम्स बन जाते हैं ऑपरेसर बन जाते हैं तो बहुत जरूरी बात गांधी जी ने कही थी जिसको मुझे लगता है आज हमें उसको याद करना और उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है वो हमेशा ये कहते थे कि हिंसा का जवाब जो है हिंसा से नहीं दिया जा सकता हिंसा का जवाब अहिंसा ही दिया जा सकता है अगर नफरत का जवाब प्रेम से ही दिया जा सकता है जब एटम बम का इस्तेमाल हुआ तो गांधी जी ने और जोरों से कहा कि एटम बम का जवाब और बड़े बम से नहीं दे सकते इंसान को हिंसा के चक्र से बाहर कैसे निकलना है सिर्फ अहिंसा का रास्ता अपना के ही वो बाहर निकल सकता है जब आप नफरत को बढ़ाते हैं तो आप उस नफरत के दायरे में ही फंसे रह जाते हैं गांधी जी ने इन सब चीजों के साथ कुछ और जो कॉन्सेप्ट भी यूज किए सर्व अपने सत्याग्रह सा, के साथ और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी उनके थे जो विस्तार में तो नहीं जाऊंगी पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ सर्वोदय का कॉन्सेप्ट सबका भला होना चाहिए अंतोदय सर्वोदय तभी पूरा होगा जब आखिरी आदमी को आप सामने रख के काम करोगे दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट कि भगवान जो है वो गरीब में रहता है अगर तुमने भगवान की सेवा करनी है भगवान को याद करना है तो गरीबों की सेवा करो उनके लिए कुछ करो तभी तुम भगवान की सेवा कर सकते हो कई ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो कि गांधी के गांधी जी के जो पूरे फिलॉसफी है उसका बहुत अटूट हिस्सा है गरीबों के लिए उनका जो उनकी जो सोच थी गरीबों के अंदर उनकी जो एक इमेज थी गरीबों के साथ उनको जो प्यार था और गरीबों का प्यार जो उनके साथ था उसको समझने अगर हम नहीं समझे तो हम गांधी जी के एसेंस को हम नहीं समझ सकते आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी टाइम बहुत हो गया है मुझे वाइंड अप करना चाहिए कि सबसे आ, आज के माहौल में एक बहुत ही जरूरी बात है उनके जीवन के बारे में आ, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगी गांधी जी ने अपने आखिरी दो सालों में 46 सिक्स से लेके 48 एट तक अपना सारा समय जो है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने काम किया आप सबको मालूम है कि बंटवारे के एक साल पहले से ही हिंदुस्तान में बड़े पैमाने से कौमी दंगे शुरू हो गए थे बंगाल में अगस्त 1946 में शुरू हुए ग्रेट कैलकटा के लिंग से नोआखली में हुआ फिर बिहार में हुआ फिर पंजाब में हुआ गांधी जी इससे बहुत ही उत्पीड़ित हुए उनका ये कहना था कि अगर ये देश का हाल होगा तो फिर ये आजादी का क्या फायदा होगा क्या मिला हमें आजादी से तो उन्होंने अपना सारा समय जो था सारी एनर्जी जो थी सारी सोच जो थी इस ही मुद्दे के ऊपर लगा दी लगा नोआखली नवंबर के शुरू में नवंबर छियालीस के शुरू में वो नोआखली चले गए नोआखली बंगाल का एक बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट है एकदम जंगल एरिया है वहां पे बहुत बड़े पैमाने में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे सरकार वहां की खिलाफ थी सपोर्ट कर रही थी कम्युनल मुस्लिम ग्रुप्स को बहुत हॉस्टाइल एटमोस्फेयर था जहां वो गए अगर आपने गांधी जी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना तो थोड़ा सा नोआखली के बारे में दो चार पेज कभी पढ़ लीजिए तो वही बहुत है आपको समझने के लिए कि वो गांधी जी क्या चीज थी उनकी उम्र तब सतर साल की थी और वो गांव में सीधे गए और एक बिल्कुल गरीब आदमी की जो झोपड़ी जो जैसे एक हट थी उसमें जाके वो रहे उनके साथ आठ दस उनके ग्रुप के लोग थे साथी थे उनके पर्सनल भी कुछ टाइपिस्ट थे उनकी नीस ग्रैंड नीस थी उनके साथ जो रहती थी आस्ता आस्ता गांधी जी ने सबको अलग कर दिया सब जाओ जाओ तुम काम करो तुम गांव में जाके देखो और सिर्फ एक अपने टाइपिस्ट को अपने साथ रखा अपने पर्सनल हेल्प के लिए भी किसी को नहीं रहने दिया क्यों वो जो देख रहे थे आसपास हिंसा का पूरा एटमोसफियर उससे वो इतने एजिटेटेड थे कि उनको लगता था कि मेरा जो सारा जिंदगी की कमाई है जो 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 मैंने मैंने अहिंसा का सारा लेसन सोचा हिंदुस्तान के लोगों को मैंने सिखाया है इसमें कहीं बहुत बड़ी कुछ कमी रह गई है नहीं तो मैं यहाँ पे इतनी हिंसा क्यों देख रहा हूं तो वो अपने आप के ऊपर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अपने आप के ऊपर और कष्ट अपने शरीर को देके अपने आप को टेस्ट कर रहे थे कि मैं कितना सह सकता हूं ये थे गांधी जी जो पूरे देश की जो एक कमजोरी थी वो अपने पे ले रहे थे वो ये सोच रहे थे कि मुझ में कुछ कमी है जो मेरे लोग जो है मेरे हिंदुस्तान के लोग जो है इतने नीचे उतर सकते हैं तो ये मेरी कमजोरी है मुझे अपने अंदर झांकना है और मुझे अपने आप को और मजबूत बनाना है तब मैं लोगों के पास जाके कुछ उनको रास्ता दिखा सकूंगा उन्होंने पहले कुछ दिन एक गांव में रहे फिर उन्होंने कहा अब इसके बाद में एक गांव में एक ही रात काटूंगा मतलब कहीं भी सेटल डाउन नहीं करेंगे हर दिन नए गांव में रहेंगे आप सोचिए और पैदल चलते थे हर जगह और जंगल के इलाके में लोग बहुत खिलाफ भी थे वहां पे जैसे मैंने बोला कम्युनल टाइप के लोग बहुत थे सरकार के खिलाफ थी हॉस्टाइल एटमोस्फेर उनको भगाने के लिए लोगों ने उनके रास्ते में टूटे हुए शीशे फेंके लोगों ने मैल फेंका ह्यूमन एक्सक्रीटा फेंका गांधी जी ने क्या जवाब दिया वो जो बहुत सिंपल से चप्पल पहनते थे उन्होंने कहा मैं ये भी उतार देता उन्होंने अपने सैंडल उतार दिए नंगे पैर चलना शुरू किया उस जंगली कांटे भरे रास्ते में जहां गंद लोग डाल रहे हैं शीशा डाल रहे हैं वो पैदल चले ये कहने के लिए कि मैं नहीं पीछे हटूंगा मैं नहीं डरूंगा अगर मुझे सत्य की खोज है तो मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा जो कोई मुझ पर अत्याचार करता है वो करता रहे मैं उसको उठा लूंगा ले लूंगा और लोगों के जाके उन्होंने क्या समझाया गांव गांव में गए लोगों के साथ बैठे महिलाओं के साथ बैठे बहुत सारे वहां पे मैंने बोला उत्पीड़न हुआ था अत्याचार हुए थे वहां हिंदू जनता थी जिसपे अत्याचार हुए थे तो महिलाओं ने बताया कि हमारे साथ ये ये हुआ है तो उन्होंने बोला कि आप जो है डरो मत आप डर निकाल दो आपको सिंदूर पहनना आप सिंदूर पहनो आपको शाखा पहनना है आप शाखा पहनो आपके हिंदू आइडेंटिटी जो मिटाई जाने की कोशिश की है आप उसको एसर्ट करो इसलिए नहीं कि आप कम्युनल हो पर क्योंकि आपके ऊपर यह अत्याचार किया गया और आपको डरना नहीं है अगर हम डरेंगे तो खत्म हो जाएंगे वहां लोगों ने कहना शुरू किया हिंदू महासभा वगैरह के लोग भी पहुंचे हुए थे उन्होंने कहा यहाँ तो हालत बहुत खराब है लोगों को रिफ्यूजी कैंप में ले जाना चाहिए अलग कैंप बनाने चाहिए जहां हिंदू लोग जो है अलग से रहे गांधी जी ने कहा अगर हम अलग कैंप बना देंगे तो फिर तो सारी कहानी ही खत्म हो गई फिर तो लोग एक बारी बट गए तो फिर हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं नहीं यही इसी गांव में रह के हमको लड़ना है समझाना है और एक साथ रहना है नहीं तो ये सारी लड़ाई का कोई फायदा नहीं है इसी इसी तरह तरह से से वो गए, वहां लोगों को समझाया, इसी तरह से सारे देश में घूमते रहे और 15 अगस्त उन्नीस को जब आजादी का जो दिन था उस दिन सूरावर्दी जो के बंगाल के उस वक्त प्रीमियर कहते थे चीफ मिनिस्टर थे उनको डर था कि जिस दिन आजादी हुई कलकत्ता जो है वो इंडिया का हिस्सा बन जाएगा और उनको ये डर था कि हिंदू लोग जो है कलकत्ते के वो बदला लेंगे 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग का उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप 15 अगस्त को यहां कलकत्ते में रहेंगे मेरे पास कलकत्ते के लोगों को बचाने के लिए कलकत्ते के मुसलमानों को बचाने के लिए गांधी जी वही रहे उन्होंने एक ही शर्त की सूरावर्दी को सूर्यावर्दी उनके अगेंस्ट था पोलिटिकली आप समझ रहे उन्होंने कहा हम एक ही घर में रहेंगे तुम मेरे साथ रहोगे और हम इकट्ठे सड़कों पर चलेंगे उसका हाथ पकड़ के कलकत्ते की सड़कों पे पैदल चले मां गांधी जी और 15 अगस्त निकल गया उसके बाद भी निकल गया एक भी हिंसा का कोई इंसिडेंट कलकत्ते में नहीं हुआ तभी माउंट बैटन ने उनको वो खिताब दिया था वन मैन बाउंड्री फोर्स जो हमारी पूरी आर्मी नहीं कर पाई पंजाब में कितना मारकाट हुई पूरी आर्मी वहां तैनात थी वो नहीं कर पाई वो एक अकेले महात्मा गांधी ने बंगाल में कर दिखाया कि एक हिंसा का इंसिडेंट नहीं हुआ वो वहां पे रहे उसके बाद जितने दिन वो जिंदा थे उसके बाद वो दिल्ली आ गए दिल्ली में हालात बहुत खराब थे फिर वो यही रहे क्योंकि हालात बहुत खराब थे कई बार फास्ट पे गए वो सब कहानी आपको मालूम मैं लंबी कहानी नहीं डालूंगी परंतु वो पूरा पीरियड भी जो उनका था सितंबर से लेके 30 जनवरी 1948 तक एक ही चीज पे उन्होंने जोर दिया एक ही मैसेज था उनका जो रिफ्यूजी आ रहे हैं उनको समझाते थे वो हिंदू राष्ट्र आरएसएस वाले और ऐसे बहुत सारे और पॉलिटिकल फोर्सेस थे जो उस वक्त जो उत्पीड़ित हिंदू आए थे उनको उकसा रहे थे राइट्स भी हुए दिल्ली के अंदर राइट्स हुए बहुत जोरों से राइट्स हुए सितंबर में बहुत सारे मुसलमान दिल्ली छोड़ के जाने लग गए पूरे मेव जो इस बेल्ट के हैं गुड़गावा वाली बेल्ट के ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जाने लगी गांधी जी ने उनको अशोरेंस दिया कि नहीं तुम नहीं जाओगे तुम हिंदुस्तान में रहोगे गांधी जी ने कहा कि कोई मस्जिद जो है वो हिंदू को उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा एक महीने के अंदर जो रिफ्यूजी थे मुस्लिम जो शहर छोड़ के वो पुराना किला और बाहर के कैंप में उनको रहना पड़ा दिल्ली में वो वापस अपने घर जा सके गांधी जी यहाँ थे दिल्ली में वो फास्ट पे गए उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया डाटा आखिर में भी जिस तीस जनवरी के पंद्रह दिन पहले भी उन्होंने फास्ट किया कम्युनलिटी के लिए और जब तक सब लोगों ने आके उनको आश्वासन नहीं दिया इंक्लूडिंग आर एस एस के लोग इंक्लूडिंग हिंदू महासभा के लोग इंक्लूडिंग हर कम्युनलोश्सन दियाशन हाँ, नहीं, तो नहीं छोड़ा तो आखिरी दम तक जो है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे और कई बार उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान ऐसा बने कि यहाँ पे कोई मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी का आदमी जो है वो इस तरी इस कारण उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए क्योंकि वो मुसलमान है क्योंकि वो माइनॉरिटी है तो ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके लिए मैंने सपना देखा था जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी कई बार उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो धर्म निरपेक्ष राज्य बनेगा आजादी के बाद उन्होंने कहा हिंदुस्तान जो है ये धर्म निरपेक्ष राज्य है और धर्म का स्थान प्राइवेट स्फीयर में है सांप्रदायिकता के खिलाफ वो शुरू से थे मुसलमानों के साथ तो उनका खास प्रेम था साउथ अफ्रीका के दिनों से एक मुसलमान ही मर्चेंट थे जो उनको वहां ले गए थे अब्बास तयाब जी उनके नंबर टू थे जब सिविल डिसोबीडियंस में जेल गए तो नंबर टू अब्बास जज रहे थे वो और गांधी जी के फॉलोअर बने खिलाफत लीडर्स ने गांधी जी को पूरी अथॉरिटी दी हुई थी कि खिलाफत मूवमेंट आप चलाओगे बहुत क्लोज एसोसिएशन उनका रहा हमेशा और अगर गांधी जी मैं यही कहना चाहूंगी आज अगर कई बार ये होते हैं गांधी जी होते तो क्या कहते गांधी जी इतना तो जरूर कहते कि जिस तरीके से साम्प्रदायिकता इस देश में फैल रही है और जिस तरीके से सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है साम्प्रदायिकता को एक तरह से बचाव देने के लिए उसको रोकने की कोशिश नहीं करना उसको किसी तरह से आगे बढ़ाने के लिए ये तो जो है किसी भी तरह से उनको गवारा नहीं हो सकता था ये सच हमेशा हमेशा ही मतलब ये तो हमेशा ही सच है कि ये वो हिंदुस्तान उनके सपनों का हिंदुस्तान नहीं है जो आज हम जिसको बनता हुआ हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं अगर महात्मा गांधी के सपनों का हिंदुस्तान हमको बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ बेसिक चीजें जो है उनके प्रिंसिपल्स की उनको हम याद करें एक उनकी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई एक उनकी गरीब नवासी एक आजकल के सत्ता में आजकल के माहौल में हम ये भी देख रहे हैं कि झुकाव जो है वो गरीबों की तरफ नहीं है वो दूसरी तरफ है चाहे आप पिछले कुछ महीनों में देख लीजिए हमारे माइग्रेंट लेबर के साथ जो हुआ कोई पॉलिसीज और आप देख लीजिए ये बहुत कुछ जरूरी चीजें हैं गांधी जी के प्रिंसिपल्स की मैं बहुत कुछ कास्ट के ऊपर मैंने उसकी तो आज बात ही नहीं करी क्योंकि उसकी बात मैं करने लग जाऊं तो पूरा मुझे घंटा कम से कम लगेगा बताने का आ लीडर कौन से आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन का या किसी भी रेवोल्यूशन का आपको मिला मिलेगा कहीं भी दुनिया में जो अपना पूरे राजनीतिक काम छोड़ के एक सामाजिक सुधार का काम जो है दो साल पूरे उस पे लगाएगा उनका जो एंटी अनटचेबिलिटी मार्च है उनका जो 1932-33 में है आप अगर उसकी कहानी कभी पढ़ लीजिए वो पूरे नौ महीने सड़क पे रहे और वो जेल काट के आए थे उसके पहले दो साल की क्या गांधी जी को कभी घर जाने को दिल नहीं करता था क्या उनको अभी अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ अपने आश्रम वालों के साथ प्यार नहीं था उनको कभी आराम करने को दिल नहीं करता था इतनी लंबी जेल काटने के बाद सीधा वो बेघर रहे नौ महीने तक उसके बाद वर्धा गए हैं। साबरमती तो वापस भी नहीं गए वो ये सैक्रिफाइस उनका साबरमती से जब निकले थे तो कहते आजादी तक मैं नहीं आऊंगा यहाँ एक घर अपना उजाड़ दिया एक के बाद एक सैक्रिफाइस आप देखिए जरा अपने घर में नहीं रहना आश्रम में नहीं रहना और जो आश्रम इतना बढ़िया आश्रम जो साबरमती का सेटल्ड था और वो गुजरात के थे गुजरात छोड़ दिया अपना घर बार छोड़ दिया बना हुआ आश्रम छोड़ दिया, एक बिल्कुल अकेली जगह वीरान जगह में जाके वार्धा के पास उन्होंने अपना दोबारा से पूरा आश्रम बनाया पर फिर बात तो वही थी जो कहा जाता था कि महात्मा गांधी जहां हैं कैपिटल ऑफ इंडिया तो चाहे वो एक गांव में जाके बस गए वर्धा के पास तो सब वही पहुंचना पड़ता था सब चाहे वो बड़े से बड़े लीडर हो वो वर्धा के गांव में ही जाते थे वर्किंग कमिटी की मीटिंग वही होती थी जहां गांधी जी थे हालांकि पास उनके पास कोई हथियार नहीं थे उनके पास कोई सेना नहीं थी उनके पास कोई पोजिशन नहीं थी उन्नीस में उन्होंने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ दी कि मैं कोई भी पोजीशन इस्तेमाल नहीं करना चाहता अपनी बात का जोर देने के लिए मैं चाहता हूं कांग्रेस और इस देश के लोग सिर्फ इसलिए मेरी बात माने अगर वो दिल से अपने प्यार से अपनी बुद्धि से मेरी बात मानना चाहते हैं इसलिए नहीं कि मैं इस संस्था का प्रेसिडेंट हूं या इसका कोई उत्तराधिकारी हुआ मेरे पास कुछ है जिससे मैं लोगों को दबाव डाल सकता हूँ क्या था उनके पास कुछ भी नहीं था तो ये थे महात्मा गांधी धन्यवाद ऐसे लग रहा था सुने जाए आपको लेकिन, हर की एक सीमा तो है, लेकिन आपने जिस सरल तरीके से गांधी को प्रस्तुत किया जो बहुत हमारे युवा पीढ़ी के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत तो लाभदायक होगा और खास बात आज जिस तरह का सांप्रदायिक जहर हमारे समाज में है और हम गांधी 150 की 150वीं जयंती मनाने की बातें कर रहे हैं उस समय गांधी के इन दो-तीन बातों को भी अगर हम सही माने में ला सके खास तौर से जातिवाद और सांप्रदायिक जो जहर जिस तरह से हम फैला रहे हैं और सत्ता के माध्यम से और हम इस स्थिति को इतना जहरीला बना रहे हैं हमारे देश में और हम जिसके गांधी सबसे ज्यादा खिलाफ थे उसी को लाने की कोशिशें हो रही हैं तो कभी कभी लगता है कि बहुत ज्यादा गांधी की बातों को ले जाने की जरूरत है लोगों तक ले जाने की जरूरत है लोगों को जोड़ने की जरूरत है क्योंकि वो जन नायक थे जनता को जोड़ा था और इसलिए जनता को जोड़ करके और जनता के बीच में जाकर के ही कोई इस तरह की चीज हो सकती है लेकिन हमारी पूरी प्रजातंत्र जिस तरीके जिस दिशा में जा रहा है जहाँ हम लोकतंत्र कमजोर हो रहा है जहाँ अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है जहां बोलना लगता है देशद्रोह की कैटेगरी में आ रहा है जहाँ हम रोलेट एक्ट जैसे कानून बना करके सिडिशन देशद्रोही के तो ऐसी स्थिति में गांधी से ज्यादा उपयुक्त जानकारी किसी और से मिल नहीं सकती है आपने आप इतनी बड़ी विद्वान हैं कि इतने सरल तरीके से मूल सिद्धांतों को खास तौर से सत्याग्रह को उनके सांप्रदायिक सद्भाव को और उनके जन नायक जनता के बीच में जन आंदोलन को खड़ा करने की जो ताकत और जनता को जो एम्पावर करने की ताकत उन्होंने दी उसको हमारे सामने रखा लोकतंत्र शाला आपके लिए आपकी बहुत आभारी रहेंगी लेकिन हम आपसे और इस सीरीज में अलग अलग समय पर कि हम किसी एक ही चीज को सुने और उसको बच्चों तक जनता तक आम जनता तक पहुंचाए तो बहुत खुशी होगी आपका समय तो लगेगा लेकिन हमारे लिए वो बहुत फायदेमंद होगा तो मैं लोकतंत्र शाला की ओर से मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से मैंने पूरा भाषण सुना मैंने गांधी को पढ़ा लेकिन आप के मुंह से सुन के मुझे चौदह साल पहले जो पढ़ाती थी वो रिवाइव हुआ और मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं इसलिए इसके साथ अंत करना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई मेरे पिताजी को जब मैंने लगाई तो मुझे श्री नारायण के सिक्स जो वॉल्यूम है गांधी के वो हम दोनों पति पत्नी को भेंट किए थे और वो जहाँ भी जाते थे शादी में वो गांधी की, की आत्मकथा और गांधी की किताब ही उन दुल्हन को देते थे तो शायद हम इस तरह की कुछ परंपराएं अपने पूरी व्यवस्थाओं में शुरू करें तो अगर हमारे लाइब्रेरी हमारे घर में वो किताब होगी तो शायद गलती से भी लोग उसे पढ़ेंगे जानेंगे गांधी को जानेंगे तो देश को जानेंगे और देश में कुछ अच्छा माहौल बनेगा मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करती हूँ धन्यवाद